भाई क्या क्या करना पड़ता है भाई शूट के लिए। अरनो भाई कांग्रेचुलेशन शादी हो गई। नौवे एपिसोड का गेस्ट नहीं मिल रहे इसलिए बोला तू ही आ जा वापस। गाइस या वेलकम बैक हो गया सभी लोग अंशु बिश व्लॉग से एकदम ब्रांड न्यू व्लॉग में। और मैं मजाक नहीं करूंगा, आज हम लोग मतलब काफी ज्यादा लेट हो गए थोड़ा सा। मैं बताता हूँ, सुनो देखो, कल काफी मस्त था, आज हम लोगों को रिहर्सल के लिए जाना है जो गूगल प्ले का इवेंट होने वाला है उसकी। बहुत ज्यादा मजा आएगा, हम लोग सब लोगों से मिलने वाले हैं। लाइक थगेश भाई तो लिटरली हमारे रूम पे बैठे हुए क्योंकि उनका रूम रेडी नहीं हुआ था इसलिए। तो अभी हम लोग पहले जाते हैं होटल, फटाफट से अपना सारा सामान छोड़ते हैं और उसके बाद निकलेंगे। आई थिंक आज हम लोग उज्ज्वल भाई से भी मिलेंगे, फिर स्ले पॉइंट से भी मिलेंगे, फिर मानसी जी हैं, फिर अपने क्या कहते हैं थगेश भाई तो है ही, ट्रिकेट इंसान भाई भी आए हुए हैं, तन्मय भाई आए हुए हैं आई थिंक मेरे को पक्का नहीं पता है। तो यस देखते हैं, फटाफट से चलते हैं और उसके बाद तुम लोगों को बताता हूँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं रूम में, ये है हमारा वेस्टर्न में रूम जो कि गूगल इंडिया वालों ने हमें दिया हुआ है, तो यस थैंक यू सो मच। बाकी यहाँ पर हम लोगों का टीवी भी है, ये अपना वर्किंग डेस्क है थोड़ा सा, यहाँ पर अपना ये है, फिर उधर पे वॉशरूम, वॉशरूम भी दिखाता हूं तुम्हें, बहुत मस्त है। और फिर इधर को आ जाते हैं तो ला 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 ला, क्या व्यू दिया है भाई, ये होता है व्यू भाई साहब, यार ये तो अलग ही जगह पर आ गए हम एकदम से। नहीं भाई, अगर कोई मुंबई के बंदे देख रहे हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम इसको देख के बता पा रहे हो कि तुम मैं मतलब कहाँ पर हूँ अभी। आई थिंक गोरेगांव में हूँ, मेरे को पक्का नहीं पता, बट क्या लग रहा है भाई व्यू देखो ना एक बार, ये हुई ना बात यार, अब आया ना मजा। चलो गाइस अब मैं तुम लोगों को वॉशरूम दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मस्त सा बाथ टब है जो हमने कभी यूज ही नहीं करा, मतलब करा है बट वैसे यूज करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। फिर ये तुम्हारा वंस अगेन, हेलो सर कैसे हैं आप, तुम्हारा भाई आ गया भाई, कितना सही लग रहा है। इधर भी कुछ है क्या? अच्छा इधर वॉशरूम है, इधर नहाने का है। भाई होटल तो एकदम खतरनाक लग्जूरियस है भाई, मजा आ गया। बट हम लोग के पास एक सेकंड का भी टाइम नहीं है, सब लोग वहां पर जो लोकेशन है यहाँ पे शूट होना है वहां पे आ चुके हैं, तो हम लोग फटाफट से निकलते हैं यहाँ पर से, सारे दोस्तों से मिलेंगे, थगेश भाई तो वहां पर ऑलरेडी आके बैठे हुए, तो चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ पर से और चलते हैं सीधा शूट पे। वैसे हमारा कुछ सामान खो गया है अगेन, तो यस वो भी देखना है, लेकिन हाँ निकलते हैं फटाफट से सीधे शूट पे, जाके उज्ज्वल भाई, थगेश भाई, स्ले पॉइंट सब लोगों से मिलते हैं फटाफट। तो चलो चलते हैं दोस्तों, चलो चलते हैं अब सीधा फिल्म सिटी। ये गाइस हम लोग आ चुके हैं फिल्म सिटी में। भाई मेरे को लग रहा था कि भाई एकदम ही खतरनाक ही खतरनाक, मतलब वो सब होगा सेट वेट होंगे, इधर तो बढ़िया है, स्टार्टिंग में पूरा जंगल ही जंगल पड़ता है, फिर आगे जाके सेट है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई सुनो, बिग बॉस भी चली जाते हैं यार, मैं बोलता हूँ बिग बॉस 17 आने वाला है ना, मैं तो कहता हूँ चलते हैं भाई, जस्ट जो सेट में हमें काम करना है उसको जस्ट पीछे बिग बॉस का सेट है उसमें एंट्री मार देते हैं, फिर वो बोलेंगे बिग बॉस चाहते हैं कि आप अभी बाहर को चले जाए। भाई साहब, भाई फिल्म शूटिंग में तो हर जगह आर्मी आर्मी लगी हुई है, देखो आर्मी वाले चेक भी कर रहे हैं। गाइस हम थोड़ा सा गलत आ गए थे, बट हम गलत भी कहाँ हैं देख रहे हो, यहाँ शादी का सेट लगा हुआ है पूरा, शादी वादी का वो सब चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो नहीं बुलाया होगा नहीं शादी वादी में। A few minutes later. भाई क्या क्या करना पड़ता है भाई शूट के लिए। वही मतलब मेरा मतलब कहने का वही था भाई, मैं जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ क्रिकेट भाई अरे कुछ नहीं, वो कॉम्प्लेन चल रहा है मेरा आजकल प्रमोट कर, तो चलो पी के बढ़िया मेरा कुछ पी रहा हूँ मैं, तो वो तो चल ही रहा है। उज्ज्वल भाई से ये पूछ रहा था कि भाई यार हाइट कैसे बढ़ाई जाएगी। भाई देखो दिन में सुबह उठ के सोने से पहले देख रहे हो आप इनके ना होठ से समझ जाओगे, क्योंकि मैं तो बीप करने वाला हूँ। बट उज्ज्वल भाई ये तो बताओ आप यार, वो कहते रहते सीलिंग में अपनी सियान चलाऊंगा, सियान लाए हो आप?
तो भाई सियान पे नजर लगा दी किसी ने, मैंने ब्लू रैप करवा दिया, बंदों को पता नहीं लैम्बोर्गिनी सियान, हाँ लैम्बोर्गिनी सियान कंफ्यूज आते हैं, हाँ उस पर रैप करवाया ब्लू, अभी मैंने येलो होने के लिए दिया। येलो क्यों करवा रहे हो? अच्छा येलो ब्लैक तो आपका सारे कह रहे हैं, नहीं नहीं आपका तो येलो येलो हो जाएगा, फिर उसके बाद आप देखना बाहर से, मुझे एक बार तो दिखा दूँगा कम से कम, कैसे भी बाहर से दिखा दूँगा, टेंशन बैठा के दिखा देना एक बार बाहर से, सब्सक्राइब कलेक्टिव तो 10 हो ही गए होंगे, 10 मिलियन भाई सारे मिले। चलो खड़ी में बैठा दूंगा एक बार, तुम लोग एक बार लिख दो भाई बैठा देंगे लैम्बोर्गिनी सियान में, इतना ही माना है। यार ये क्या बदतमीजी भी, मतलब खड़े में क्यों बैठाओगे, रैप भी तो करोगे थोड़ा। अरे तो मैं करूँगा ना, आप देखना तो थोड़ा हल्की से तो चलाने भी दोगे भाई, उसमें पेट्रोल नहीं डलना, हाँ फिर तो महंगा पड़ जाएगा। चलो ठीक है भाई, महंगा सौदा भाई, वहाँ का एक लीटर आ जाता है 80 में, बस यही बोलूँगा मैं, फेंको तो ऐसी फेंको वरना मत, ये फेंकवाई गई है मेरे भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं उज्जवल भाई से 2 महीने के लिए क्या नहीं मिला भाई, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, देख रहा हूँ मेरे को ऐसे कैमरा पकड़ना पड़ रहा है ऊपर, वो क्या सही है यार, नज़र क्यों लगा रहे भाई, भाई ठीक है ना बॉडी बन गई, हाइट बढ़ गई, तो देख रहे हो कैसे चौड़े हो रहे हैं, सर आए तो सही भाई 5,000 सब्सक्राइबर क्या हो गए, हमें कैमरा पकड़ा कर गया, अगर आप लोग काट दो ये सही है भाई, कंसेंटेंट आवर सेकंड कंसेंटेंट, लेट वाला सेकंड कंटेस्टेंट्स फॉर द फर्स्ट राउंड अगेन, कैन वी हैव जगेश एंड गेम ऑफ फ्रीट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गेम ऑफ फ्रीट टर्न बिगिंस इन 3 2 1 लेट्स गो। उज्जवल भाई मेरा फोन लेके गायब हो चुके हैं, अब क्या करूं मैं, तो दोस्तों हमें अभी यहाँ पर ग्रीक गॉड मिले हुए हैं भाई, एक ग्रीक गॉड भाई, एक का गॉड, एक फ्लेक्स तो बनता है, एक फ्लेक्सशिप में इसीलिए हो गया, कम ऑन यार भाई, कम ऑन भाई, क्या बॉडी बना दी है, पसंद नहीं है लेकिन अभी लाइट वाइट बहुत अच्छी लगाई हुई है, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग अभी क्या वो वाला दोनों, वो वाला ऐसे, वो ऐसे वाला नहीं, मेरे को ऐसे फ्लेक्स करना पसंद नहीं लेकिन बाल बहुत बढ़ गए थोड़े ना, I don't like to flex. अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ एक और एपिसोड शूट करने, 9वें एपिसोड का गेस्ट नहीं मिल रहे, इसको बोला तू ही आ जा वापस, मैं नहीं जा रहा भाई, ये पता चला मार मुर्दे भाई, इनके बॉडी देखो कैसे बना दी इनने भाई साहब, भाई ऐसे नहीं करूँगा, अपना भाई है ये, अगले सीजन में आएगा ना वापस, कैसी बात करो, पूछने की जरूरत है, आप बस बोलना आ जा भाई, आ जा भाई, ऐसा बुलाओगे ना, बुलाऊंगा क्यों नहीं बुलाऊंगा भाई। तो गाइस हम लोग अभी टेक्नो भाई की शादी में आए हुए, टेक्नो भाई कांग्रेचुलेशन शादी अपनी शादी में पहले खा रहे हो यार, पर प्लेट 450 भाई, पूरी फिल्म सिटी बुक करा दी शादी के लिए, बताओ मानोगे आप, कह रहे मुंबई में कोई बड़ी जगह नहीं है भाई, अरे भाई साहब भाई मुझे तो लग रहा था कि कोई G63 के साथ करेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, लैम्बो ही ना, ये देखो भाई वो ऊपर भैया के लिए खतरों के खिलाड़ी भाई, क्या डरावनी चीज है, मेरे ख्याल से वो सारे लाइट वाइट का देख रहे हैं, बहुत खतरनाक सीन है भाई ये ऊपर, और क्या मस्त होता है और कितना जायंटिक होता है सब कुछ, देख रहे हो एक बार, कैमराज देखो कितने कैमरा, यार पता है क्या मतलब सब कुछ कूल है, बहुत मस्त है, सेट भी एकदम तगड़ा है और शूट हो रहा है, इतने सारे दोस्तों से मिल रहे हैं, इतने सारे नए लोगों से मिल रहे हैं, बट पता है क्या एक चीज़ का सैड लग रहा है कि भाई कोई भी नहीं है भाई, कोई दीदी नहीं है, हाथ पे एक भी राखी नहीं है एकदम, उसका थोड़ा सा सैड लग रहा है क्योंकि हमारे इधर तो 31st को ही बन रही है राखी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है मेरे पे यार, पहली बार है कि मैं राखी पे घर पे हूँ, कोई दीदी नहीं है मेरे आसपास, ना मेरे पास कोई राखी है, तो बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, लगाओ HP के न्यू आए ये पूरे 35 मिलियन उठाए मैंने अपने कंधे पे भाई ये अपना तो मैं कूदूंगा कर रहे हैं, ये खुद तो गिरते नहीं और ये मेरी पीठ तोड़ता है अलग, 5 किलो ही वजन है यार इनका, अब इनकी हाइट बढ़ते जा रही है ना इसलिए ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ अभी तो कितने के हुए 17 के हुए, अभी हाइट बढ़ रही है, लीड मेरे आ रहे हैं, ये ना मैं बता रहा हूँ ये सब्सक्राइबर के नंबर के हिसाब से नाप रहे हैं मुझे पता है,
को बताता हूँ, मेरे को ये मैं पुश करने वाला। खाना पीना हो गया दोस्तों, इट्स टाइम फॉर सम स्नैक्स। यार उज्जवल भाई की शादी में काम तो पूरा है यार। अच्छा गाइस, तुम लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ उज्जवल भाई की गर्लफ्रेंड का नाम, ठीक है? उज्जवल भाई बता दूँ उनको, है बता दूँ सबको, बता दूँ? अरे मैं रियल वाली बताऊँगा, लड़की वाली मैं बता दूँ, बता दूँ? ऐसा नहीं हूँ ना मैं इनकी तरह, ये जो मेरा नाम वाम लिए फिरते हैं। तुमको बताता हूँ, इनको बताता हूँ, रुको जरा। दोस्तों टेक्नो भाई की शादी में हम लोग खा रहे हैं। अभी कैसे लग रहा है, खाना सही हो रहा है? मतलब है ना, मतलब शादी होता ऐसी होनी होना चाहिए, शादी होता ऐसी हो भाई, वरना नहीं। चलो अभी बारात भी आ रही, नाचना पड़ेगा। चलो सुहानी जी बाय बाय, कल मिलते। तू मेरी टीम में भी नहीं है यार, गेमर। हाँ ना, कोई नहीं ना, क्या दिक्कत, तू अपना दिल में यार। एक तरह से एक ही टीम है यार। ये देख रहा हूँ। प्लीज एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी करो। मेरे भाई मैं कैसे करूँ भाई, मैं क्या का बटन दिख रहा होगा कैमरा? ये क्या है, इसको इसको पचता नहीं है, इसके ऊपर से कैमरा हटाओ भाई। 6 फुट 5 इंच के बच्चे देखे तुमने? भाई मत करने दो, तुम रोक दो यार इसको भाई, सेल आया था इनके हाथ में, बैंगल लिए वो वाला लग रहा है, फोन डेज का कार्तिक का, बिल्कुल डेज को कार्तिक का ही वाला। एक इनके हाथ में फोन ऐसा पकड़ा हुआ दिख रहा है ना, हाथ दिखाना भाई एक बार भाई, ऐसा लग रहा है वो बारबी वाला टाइया वाला फोन लग रहा है ये भी भाई, हाथ देख लो इन लोगों के भाई। हम लोग को बाहर जानता, मैं थोड़ी देर पूल में मस्ती करता हूँ, बट ये व्यू देखो एक बार भाई, ये क्या खतरनाक व्यू है भाई। इधर से मजाक से उठ के देख रहे हो क्या लग रहा है, ऐसे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं और ऊपर से मून ऐसे आ रखे भाई साहब, क्या भाई ये सीनरी लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है देखो कोई वो होगा वॉलपेपर या कुछ होगा कंप्यूटर का ब्रो। लो यार गाइस, मैंने पोर्ट्रेट भी कर दिया है, तुम लोग इसको अपना वॉलपेपर लगाओ मस्त करके, मेरे को इंस्टा पे टैग करना अगर तुम लोग लगाओगे भाई। क्या क्रेजी लग रहा है, एकदम खतरनाक यार, ऐसा ब्लड मून जैसा भाई साहब। तो गाइस अभी हम लोग आ रखे हैं टी सीरीज के बाहर। नीचे तो वाह सर, ये आपके एक सिंगर तो बाहर ही रह गए। अरे सर दरवाजा खोलो, एक सिंगर बाहर रह गए सर।